मच्छर मारने का सबसे इफेक्टिव तरीका आखिर क्या हो सकता है? उन्हें हाथ से पकड़ के पेल दिया जाए, या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके, और या फिर उनके साथ छोड़ दिए जाए और भी नए मच्छर। सुनने में शायद थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया था ब्राजील। ब्राजील मच्छरों से परेशान ही इतना था कि ये मच्छर हर साल डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां लाखों लोगों तक पहुंचा रहे थे। अब एक तरीका तो था इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके, लेकिन ये स्प्रे मच्छरों से ज्यादा नुकसान तो ह्यूमंस को पहुंचा रहे थे। तो ब्राजील ने यूके की कंपनी ऑक्सीटेक के साथ मिलकर बनाया एक प्लान, और ब्राजील की जैकोबिना सिटी में हर हफ्ते छोड़े गए 4.5 लाख मच्छर, और ये सिलसिला चला 27 हफ्तों तक। लेकिन ये मच्छर स्पेशल थे। एक तो ये कि ये सारे मेल थे, और ऊपर से ये सारे मच्छर जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, क्योंकि बाइट करने और बीमारी फैलाने का काम करती हैं फीमेल मच्छर, तो उनका सफाया जरूरी था। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर कैरी कर रहे थे ऐसे जीन जिससे जब फीमेल मच्छर इनके साथ मेट करे तो पैदा होने वाले बच्चों में से फीमेल मच्छर सर्वाइव ही ना कर पाए, और जो मच्छर सर्वाइव करें वो रिप्रोड्यूस करने लायक ही ना हो। और इसके रिजल्ट्स आने वाले महीनों में पूरे एरिया के मच्छर 90% तक कम हो गए।